इनका ना एक बेटा छोटा, उसको ना एक ब्लड कैंसर है। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि ये इस वक्त जो कंडीशन पे है ना, आप लोगों की सपोर्ट जो है ना ज़्यादा चाहिए इनको। ये मेरा जी बेटा होया सी 2011 की गल है। हेलो गाइस, क्या हाल, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम विक्की भारद्वाज। दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने एक फेसबुक पे ना एक वीडियो देखी थी, जो कि एक कपल की वीडियो थी। वो उन्होंने पठानकोट में ना एक कुलचे का काम शुरू किया, तो मैंने कहा कि मैं भी चलो उसको कवर करता हूँ। लेकिन आज जो मैंने यहाँ पर आके देखा ना, इनकी बड़ी एक जो है ना, वो कहते हैं कि बड़ी दुख भरी जो है ना एक कहानी है। तो मैंने कहा चलो, ये कोई ऐसा तो नहीं है भी पेड प्रमोशन है, मैंने कहा चलो भी इनको भी सपोर्ट करते हैं और मैं कुलचा ट्राई करता हूँ इनका कैसा है। तो इनका ना एक बेटा छोटा, उसको ना एक ब्लड कैंसर है, उसकी वजह से इनका सारा सिस्टम जो है ना गड़बड़ हुआ और इन्होंने कुलचे का काम शुरू किया, जो कि बेसन वाला कुलचा ना उसका। तो मैंने कहा चलो मैं भी जो है ना उस कुलचे को ट्राई करता हूँ और साथ में इनकी जो है ना ये कहानी को आगे YouTube पे डालते हैं, ताकि इनको और सपोर्ट हो सके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो मैंने उसको कवर करने के लिए आज आया हूँ। इनका ना एकम कुलचा जंक्शन है, ये पड़ता पठानकोट का सिविल हॉस्पिटल है। सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल बैक साइड पर पड़ती है खत्री सभा, खत्री सभा के बिल्कुल ओपोजिट में है। मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो, वो सामने जो है ना खत्री सभा, खत्री सभा के बिल्कुल ओपोजिट है। आज इनका ट्राई करते हैं एक बेसन वाला कुलचा और इनसे आपको मिलवाते हैं। और ये कपल दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ काम करते हैं, और आप लोग जो है ना इनकी सपोर्ट के लिए एक बार और इनको ट्राई करने के लिए आइएगा कुलचे को, तो आपको उनसे मिलवाता हूँ मैं। चलिए मेरे साथ। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही लुत्फ आया। वो प्योरिटी है और जेरा इन्हें मटीरियल है वो एक पुराने रिवाज पुराने डिजाइन के मुताबिक है, ताकि जो बजुर्ग खाते हैं तंदुरुस्ती रही, सफाई है, टेस्ट है और बहुत सस्ता है। इस करके इन्हां दी दुकानदारी जी बहुत प्रिय दुकानदारी है। और मैं हर एक बेनती करांगा सब पब्लिक अगे कि एक बार आओ, इन्हां नूं मौका दिओ, ताकि इन्हां दा जो सौदा उहदा टेस्ट चैक करो और लाजवाब सौदा है। धन्यवाद, थैंक यू। चलो व्यूअर, मैं आपको मिलाता हूँ उस कपल से जो ये काम कर रहे हैं। चलो मेरे साथ। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम राजा है जी। मैं जी इतने अपने पठानकोट ओल्ड शाहपुर रोड से अपना कुलचिया का काम खोलिया हुआ जी। तो साडा जी स्पैशलिटी यही है कि अं आटे के बेसन वाला नान बनाई था, मतलब कोई मैदा वगैरह अं यूज नहीं करते, सिर्फ आटा तो बेसन। कि चर हो गया भाई? हो गया जी 4 महीने हो गए। पठानकोट की जनता ने बाहरों बहुत प्यार दिता, बहुत साथ दिता। मैं बहुत बहुत दिल तो धन्यवाद करता जी साहब का, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी तुसी आए। जड़े रह गए आ वो भी जरूर आओ, तो साडा टेस्ट चैक करो, तो क्वालिटी साडी चैक करो, एक बार आओ जरूर साढ़े को प्लीज़। इन्होंने ना मेरे को एक बैक साइज एक प्रॉब्लम पाई थी इनके बेटे की, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी वो थोड़ी सी सुनो और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि ये इस वक्त जो कंडीशन पे है ना, आप लोगों की सपोर्ट जो है ना ज़्यादा चाहिए इनको। ये मेरा जी बेटा होया सी 2011 की गल है। हाँ, मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम सी, ना कोई बाई बर्थ सी, बाद चेक चुक कराया तो वह ट्रीटमेंट चलिया जी 3 महीने का सगा। उस तो 3 महीने तो लैके तो कोई 8 साल ट्रीटमेंट चलिया। तो व्यूअर, आप मतलब भी इनके इस टाइम ना हालात समझ सकते हैं कि वो प्रॉब्लम जो है ना ये आप लोगों के साथ वो पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर सकते। उसका कारण है कि माँ बाप के सामने जब बच्चे की ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो माँ बाप जो है ना ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हैं कि जो माँ बाप होते हैं ना वो इमोशनल हो जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम के। तो इसलिए जो है ना आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। बाकी चलो, इनका जो है ना वो कुलचा तैयार करते हैं और मैं आपको बताता हूँ, वो लड़का भी यहीं पर है, ये है वो छोटा। ना पुत्र तेरा नाम की है? मेरा एकमदीप सिंह। हां जी। पापा तेरे नाम ते रखता सारा काम। हां जी। है ना?
ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜਨਾ ਨਾ 8 8th ਚ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਮੈਲ ਮੀਨੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਮੀਨੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਾਓ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੋਲ ਚਾਪਾ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਜੀ ਨਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਗਿੰਦਰਪਾਲ ਐਮਐਲਏ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦੋ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਭੋਏ ਦਾ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਨਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਾਕਾ ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਿਹਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਓਪਲਸ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਜੀ ਓਪਲਸ ਹੋਟਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੈਂਟ ਫਿਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 5000 25000 ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੋ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਏਕਮ ਕੁਲਚਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਲਚੇ ਵੀ ਲਏ ਆ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਲਚਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਕੁਲਚਾ ਖਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਣ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਲਚਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਹੜੇ ਜੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਬੇਸਣ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਤੇ ਬੇਸਣ ਭਈਆ ਮੈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮੈਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੱਪਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਦਾ ਫੈਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਆਟੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਭਾਅ ਜੀ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਸਰ ਅੱਛਾ ਮੈਦਾ ਤੇ ਬੇਸਣ ਇੰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸਣ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜੋੜ ਮੱਖਣ ਹੈ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜੋੜ ਮੱਖਣ ਹੈ ਅਮੂਲ ਮੱਖਣ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ 80 ਹੈ ਮਿਕਸ ਵੈਜ 60 ਹੈ ਮੱਖਣ ਲੈ ਬੇਟਾ ਆਹ ਭਾਜੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬੁਲਜਾ ਜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਡਾਲਡਾ ਡਾਲਡਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੂਲ ਦਾ ਮੱਖਣ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਆ ਜੇ ਕੁਛ ਕਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਲਾ ਜਾ व्यूअर ये आ गया कुलचा ये है पूरा नान क्रिस्पी ये देखो और ये साथ में चने की सब्जी और ये इधर चटनी है ना पूरा देखो दबाते ही पूरा ना चूर चूर हुआ पड़ा ये देखो पूरा चूर चूर हुआ पड़ा दबाते ये बेसन की निशानी है ये वाली अगर वो मैदा होता तो मैदा चूर चूर नहीं होना था ये देखो और बीच में मक्खन देखो कितना ये पूरा मक्खन है चलो व्यूअर टेस्ट करके बताता हूँ आपको मैं ये है व्यूअर वो चने चने चटनी ये एक साइड से खाते तो सत बिस्मिल्लाह नहीं तो मैं तो खा रहा हूँ जो मैदा था ना मैदा खिंचता मुंह में आ गया ये खिंच नहीं रहा क्रिस्पी बिल्कुल जो है चूर चूर है इसका वैसे ही मैंने नाम रखना चाहिए था इनको चूर चूर कुलचा लेकिन इन्होंने अपने बेटे के नाम पर रखा हुआ है एकम कुलचा ये तो छोटे छोटे पीस करके खाना पड़ेगा ये देखो ये देखो व्यूअर पूरी ऑप्टिमम बड़ी बाइट ये चटनी हाँ हाँ
आउट क्लास हूँ फिर जितना बड़ा कुलचा ना उसको खाने में आधा घंटा लगेगा और इसका रेट जो है ना मात्र 50 रुपये है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। और ये देखो कुलचा चूर चूरा बिल्कुल, और ये ऐसा नहीं है कि मैदा तो मैदे की तरह खिंचता जाएगा, ये बेसन और आटा। अभी देखना इसको थोड़ा सा खींचूंगा और ये दोबारा हल्का सा खींचा और ये टूट गया। ये है इसका फ़र्क जो है ना, मैदे वाला आप खींचो दांतों में ना बीच में जो है ना चप चप करता रहता है, ये नहीं करेगा। और ये 50 रुपये का बिल्कुल है। और ये व्यूअर खान देता सात बिस्मिल्ला, नहीं तो मैं तो खा रहा हूँ। आउट क्लास है, आउट क्लास। हम बिहार से आए खाने के लिए स्पेशल। हाँ ये भी है जो ना जुगयाल से आए हैं। आप सोचो भी ये कितनी अच्छी क्वालिटी होगी जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये जुगयाल भाई कितना पड़ता तो किलोमीटर? ये पड़ता है 10 किलोमीटर पड़ता है। 10 किलोमीटर दूर से जो ना कुलचा खाने के लिए यहाँ पे आए हैं। दसो भाई कुलचा का रिव्यू। कुलचा बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, पहले भी खाया फिर खाने लगे। हाँ टेस्टी लगा इसलिए मैं अपने भाई को भी लेकर आया। अभी देखेंगे खा के अभी कैसा लगता है स्वाद इसका टेस्ट। तो चलो व्यूअर ये थी आज कुलचे की वीडियो। वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। है भाई फर्क। हाँ फर्क, मैदे का तो यदा बेसन का फर्क लगता वखरा लगता ना। मैं पूरे पठानकोट एक बार फिर अपील करता जी, एक बार आओ तो साढ़ा टेस्ट चेक करो। 100% तुम पसंद आएगा, 101% पसंद आएगा जी।